हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स इंटरेस्ट पेपर तैयार कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, डिफाइन द इक्वेशन एफ जेड एक्स, सो एफ एक्स बाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, जी एक्स बाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। दो फंक्शन दिए हुए हमारे पास एफ एंड जी, वेयर एफ जेड जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू जी जेड इक्वल टू वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन दिए हुए हमारे पास जेड एक्स बराबर एफ डब्ल्यू जी एक्स माइनस जी एफ एक्स जी डब्ल्यू, जी एक्स जेड एक्स बराबर एफ एक्स जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू जी एक्स। इस तरह से और ऑप्शन आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, अगर आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो तो फ्रेंड्स निकालिए, नहीं तो आप देखिए मेरे YouTube चैनल पर ऐसे क्वेश्चन से सॉल्यूशन किस तरह से हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक गिवन कंडीशन है, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ जेड जी डब्ल्यू बराबर एफ डब्ल्यू जी जेड बराबर वन। इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल सॉरी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू बराबर सॉरी माइनस कंडीशन थी, डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डॉट डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू वन, ये लिख सकते हैं। और ऑप्शन से हम ध्यान से देखते हैं ऑप्शन को फ्रेंड्स, तो ऑप्शन में राइट हैंड साइड में सिर्फ जेड एक्स दिया हुआ था, जेड एक्स के इक्वल पूछ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में जेड एक्स दिया हुआ था तो जेड एक्स इक्वल इक्वेशन को पूछ रहा था। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर यहां पर देखें तो डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मल्टीप्लाई करें तो उसको हम यहां पर लिखते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस यहां से हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डॉट डेल जेड अपॉन डेल जी सॉरी डेल जी था डेल जी अपॉन डेल जेड डॉट डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसका मल्टीप्लाई किया हमने। अब फिर से अगर हम आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो हमारे पास डेल जेड से डेल जेड कट जाएगा, इधर ये कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या आ गया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स डॉट डेल जी अपॉन डेल डब्ल्यू माइनस डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू डॉट डेल जी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये आ गया। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां से लिख सकते हैं जेड एक्स जी डब्ल्यू माइनस एफ डब्ल्यू जी एक्स बराबर जेड एक्स। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर है, आप ऑप्शंस मैच कर सकते हो, ये हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा होगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।